अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 के डिस्कस किए थे। आज इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट जो है वो मैक्सिमम कवर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, इनका स्क्रीन शॉट ले लें ताकि आपको ईजी रहे। मैंने हर वीडियो में बताती हूँ कि स्क्रीन शॉट को सामने रखें, ठीक है, अपनी बुक खोलें और जो क्वेश्चन इसमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट आउट बुक में कर लें। तो एक्सप्लेन फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट गाइडेड मीडिया। Define data communication. Explain basic components of data communication. What is a data transmission mode? Explain its type with example. तो स्टूडेंट, आप इन शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से करें, बहुत अच्छे से करें। देखिए, टाइम अगर मैनेज नहीं हो रहा तो मैनेज करना सीखेंगे। लास्ट ही एग्जाम्स होते हैं, इसके बाद फर्स्ट ईयर कवर हो जाती है। इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर से सब पास हों तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय इनकोडिंग ऑफ डाटा। एक्सप्लेन डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स टू रिप्रेजेंट डाटा। ये टोटल 6 क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करें स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। चैप्टर नंबर फोर में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।